like a bell cut. हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास के अंदर हमारी थर्ड में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो जो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो बेस्ड होती है रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पहले वैसे मैं बता देता हूं कि क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। हमने प्लस वन क्लास के अंदर पढ़ा है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, रेड का मतलब यहां पे क्या है भाई, रिडक्शन है। ठीक है, ऑक्स का मतलब यहां पर क्या है भाई, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हम पढ़ते हैं टेंथ क्लास में भी पढ़ी थी हमने यही रिएक्शन, और हमने ट्वेल्थ प्लस वन क्लास में भी यही पढ़ी है। ठीक है, हम ऐसे एक रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन बोल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेटा ये जिंक है, ये यहाँ पे इसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। आपने निकालना सीखा प्लस वन क्लास के अंदर, यहाँ पे बेटा इसकी क्या है प्लस टू, इसकी कितनी है भाई माइनस टू, ये बेटा प्लस टू, ये माइनस टू, और ये हो जाती है जीरो। न्यूट्रल स्टेट के अंदर जब स्पीसीज न्यूट्रल होता है या वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा बेटा सल्फेट के ऊपर चार्ज है टू नेगेटिव, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा प्लस टू, क्योंकि न्यूट्रल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार भाई जिंक सल्फेट है, जिंक में कितना है भाई प्लस टू, सल्फेट में माइनस टू, और ये तो देखिए बेटा यहाँ पर जिंक ने क्या किया है, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो मैं ऑक्सीडेशन को हमेशा, चलिए मान लीजिए पहले मैं इसका एग्जांपल देखता हूं आपको, जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन है। तो जरूरी नहीं है कि जिंक की एलिमेंट हो, कोई भी मेटल हो सकता है, तो मैं इसको M लिख दूं भाई, M कन्वर्ट इनटू Mn पॉजिटिव प्लस Ne इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे लिख सकते हो, किसको लिख सकते हो भाई ऑक्सीडेशन को। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भाई रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट गेन करता है, देखिए जैसे यहां पर Cu2 पॉजिटिव और जीरो, तो ये क्या हो गया भाई आपका रिडक्शन हो चुका है ये आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि भाई Cu2 पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन और कॉपर, भाई कॉपर था टू प्लस था। चलिए मैं आपको ऐसे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताऊंगा मैं आपको इस तरीका और। ठीक है, तो भाई मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई भी मेटल हो सकता है यहाँ पे और M। ठीक है, चलिए आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए बेटा, मान लो जिंक है, ये बन गया आपका जेड एन टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। बेटा जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, थर्टी। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, थर्टी। अब बेटा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ट्वेंटी एट, क्योंकि टू प्लस का मतलब लूज इलेक्ट्रॉन लूज, तो 30 से कितने हो गए भाई 28। अब बेटा यहां पर देखिए कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर का 29 होता है ना भाई, ठीक है 29 होता है कॉपर का आपके पास, तो भाई ये कितना हो गया 27। अब इसने बेटा क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये क्या बना दिया इसने कॉपर 29। ठीक है, समझ में आ गई भाई। या बेटा आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई मेटल मेटल आयन में बदलता है तो ऑक्सीडेशन, मेटल कन्वर्ट इनटू आयन, अगर वो अपने आयन में बदलता है तो भाई वो क्या है ऑक्सीडेशन है। क्या है भाई, वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन, अगर भाई हमारा कोई मेटल आयन है वो कन्वर्ट होता है
किसमें कन्वर्ट होता है भाई, मेटल के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन। ये बेटा काम आएगा आपका, इस पूरी यूनिट के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, जब कोई भी मेटल मेटल आयन में बदल जाता है, रिडक्शन, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको अपना याद करने का तरीका है, जो भी आप जैसे याद कर रहे हो वैसे आपको डेफिनेशन से ऐसे ही याद रखना है। तो देखिए अब होता क्या है, जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए भाई कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है भाई, इसके अंदर आपका कोई सॉल्यूशन है और इसके अंदर आपने एक मेटल की रोड डिप्ट कर रखी, मतलब ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है भाई, यहाँ पे आपने जिंक की रोड पुट कर रखी है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक की रोड पुट कर रखी है, तो ये जब डिजोल होगा इसके अंदर, ठीक है, तो डिजोल होगा तो बेटा वहां पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम भाई, केमिकल एनर्जी, कि वो केमिकल की एनर्जी। और सिंपल सी बात समझिए आप, इससे भी आसानी से आप समझिए, मान लीजिए आपने सोडियम साल्ट है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम साल्ट का, उसको आपने हीट किया है, ठीक है, या मान लीजिए भाई NaCl का सॉल्यूशन है, सॉलिड था, इसको आपने क्या किया भाई, हीट किया, तो भाई ये क्या हो जाएगा, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब ये केमिकल जो आपकी बेटा एनर्जी है, ठीक है ना, क्या है जो आपकी ये केमिकल एनर्जी है, इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसको आप, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो आप, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, कि जो एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जब रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका हमें चेंज करना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है उस केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बोलेंगे। अब अगर जनरल सी बात कह देंगे कि सर जी यूज कहां पे होता है, तो आज के टाइम पे, आज मॉडर्न टाइम के ऊपर मशीनी जो युग हमारा चला हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल का यूज होता है। चलिए देखिए, हम वो यूज करते हैं भाई, हमारे हाथ के ऊपर बनी होती है, हमारे पास दीवार गड़ी होती है, उसके अंदर सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से है, ठीक है। हमारे आज फैन चल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से है। हमारा इन्वर्टर जो है जिसको हम चार्ज वो पॉसिबल करते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से है। तो मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो वही आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है। हम वहां पर केमिकल्स डालते हैं तो उस वजह से वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी उसकी कुछ इंपोर्टेंस थी। वैसे आपके सिलेबस में तीन सेल्स दे रखी है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और बैटरीज, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं तीनों को अपना अलग अलग। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट बेटा आपका इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं, किसके अंदर पास आउट करवाते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है क्या, इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार से सॉल्यूशन है कोई भी कंपाउंड का, वो मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, आप उसको मोल्टन स्टेट में लो, या फिर आप उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस केवल इस कंडीशन में पॉसिबल होगी, ठीक है, कि मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उसका सॉल्यूशन कैसा है, कि यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो हम एक इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करते हैं, कब, जब वो इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टन स्टेट में हो या किसमें हो भाई, वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हो। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगी। मान लिया हमने कि भाई कोई एबी कंपाउंड है, कोई आपका एबी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी आपका एबी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए आपका भाई
ए भी सोलिड को इलेक्ट्रोलाइट है, इसको बेटा मैं हीट कर रहा हूं, ये बदल गया बेटा आपका ए प्लस गैस बी माइनस गैस, इसमें हीट करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम, हमने एक बीकर लिया भाई, ठीक है, क्या लिया हमने, एक बीकर लिया। तो बेटा इस बीकर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि बेटा हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को पुट करेंगे, ठीक है। तो भाई यहां पे मैंने क्या कर दिया बेटा, एबी का सॉल्यूशन डाल दिया मैंने, ठीक है, ये एबी कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या करेंगे, कोई दो मेटल की रोड यहां पर पुट करेंगे, मेटल की स्ट्रिप जो है उसको बेटा हम यहां पर पुट करेंगे, मैं एक सिंपल डायरेक्टिक बना देता हूं बेटा यहां पर, बेटा मैंने मेटल की रोड पुट कर दी, ये मेरा एनोड है यहां पर, ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, कैथोड है। तो प्लस से प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, ठीक है। यहां पर हम एमीटर लगा देते हैं, ऑन ऑफ स्विच भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा, ये जो हमारे पास दो रोड आई हैं, इनको बेटा हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे बेटा। इसमें आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है, चलिए बेटा हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई, मैकेनिज्म जो है वो बेटा आयनाइजेशन थ्योरी के ऊपर बेस है, इसके ऊपर बेस है भाई, आयनाइजेशन थ्योरी के ऊपर बेस है। तो क्या कहती है आयनाइजेशन थ्योरी, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आयनाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को हीट करेंगे या उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो भाई वो अपने आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, अपने आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और जब वो आयन कन्वर्ट होगा, जो आयन कन्वर्ट होगा वो बेटा इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब बेटा आयन जो होंगे वो दो ही हो सकते हैं, या तो भाई वो क्या होगा आपका पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, तभी वो कंपाउंड न्यूट्रल बना है। अब ये तो है नहीं कि दोनों ही नेगेटिव हो गए या दोनों ही पॉजिटिव हो गए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा होगा तो बेटा ये जाएंगे तो कौन किसके पास जाएगा, अब बेटा सिंपल सी बात है, नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, भाई सिंपल सी बात है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। तो लाइक के पास जाएगा ही नहीं भाई, प्लस के पास प्लस थोड़ी जाएगा, आयन की बात कर रहे हैं हम, माइनस के पास माइनस थोड़ी जाएगा, माइनस के पास तो प्लस जाएगा, प्लस के पास माइनस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा तो वो जाएगा, तो जैसे तो जिसके पास जाएगा, मान लीजिए कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव के पास गया तो बेटा उसको हम बोल देंगे कैटायन, क्या बोल देंगे हम, कैटायन, नाम से पता चल रहा है बेटा, कैथोड प्लस आयन, वो आयन जो कैथोड के पास जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, कैटायन बोल देंगे। अब भाई नेगेटिव आपका देखो यहां पर कैथोड है, तो इसके पास क्या जाएगा भाई, कोई भी पॉजिटिव जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा एक मिनट, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव, ठीक है। एक बार बेटा इस सॉल्यूशन को हम यहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं समझने के लिए, ये पॉजिटिव आयन, तो दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव आयन है ये बेटा आपके कैटायन है, बेटा आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखना नहीं यहां पर, ठीक है भाई। अब कहता कि नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव के पास आएंगे भाई, ये नेगेटिव आ गया भाई, ये नेगेटिव आ गया बेटा, ये नेगेटिव आ गया, तो ये आपके क्या है भाई, एन आयन है। अब कुछ प्रॉपर्टी है जिस वजह से ये इसके पास आया है, अब ये इसके पास आएगा तो बेटा सिंपल जनरल सी बात है, इसके आयन चेंज होंगे, तो जब आयन अपनी स्टेट चेंज करेगा
भाई वो प्लस से न्यूट्रल बनेगा या माइनस से न्यूट्रल बनेगा या न्यूट्रल से प्लस बनेगा, तो उस टाइम पे बताओ उसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेन। चलिए टेंशन मत लीजिए, अभी आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। भाई मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई भी एक एबी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मान लीजिए वो सॉलिड है, लिक्विड है या जो कुछ भी है, चलो एबी से हटा देते हैं हम, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। PbBr2 एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो आयन में टूटेगा Pb2+ और Br2 Br-, ठीक है भाई, समझ में आ गया था मेरी बात। तो क्या है, इसके अंदर टूटेगा भाई 2Br-, या बेटा इसको सिंपल डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहो तो Pr2 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप इसको, Br2 भी लिख सकते हो, सोडियम का ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, तो Br2 लिख दिया हमने। देखिए तो अब क्या हुआ, क्या कहता है कि ये सॉल्यूशन में गया तो बेटा ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, नेगेटिव किसके पास आएगा, ब्रोमीन के पास। चलिए देखते हैं एट एनोड, ठीक है भाई, एनोड के पास ब्रोमीन गया, Br- गया भाई किसके पास, एनोड के पास। अब नेगेटिव दैट मींस इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा भाई, ठीक है बेटा, तो लूज कर दिया। अब Br तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि गैसेस को मैं एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, तो बेटा इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलोगे इसको आप, ऑक्सीडेशन, इसको मैं क्या बोल देता हूं, प्राइमरी चेंज। भाई मेरा चेंज हुआ, पहले चेंज हुआ है, अब भाई Br तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे Br बहुत सारे सॉल्यूशन के अंदर, तो कंबाइन होकर क्या बना देंगे, Br2, क्लियर, एट कैथोड। भाई कैथोड पे क्या जाएगा, लेड जाएगा भाई, Pb2 पॉजिटिव, ठीक है। अब कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो चलिए रिडक्शन हो गया आपका, ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो प्राइमरी चेंज, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब देखिए, तो अब आपने क्या देखा कि एनोड पे ब्रोमीन डिस्चार्ज डिपोजिटेड हुआ और कैथोड पे लेड डिपोजिटेड हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ये 2 आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा, बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, बेटा क्या बना, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br-, कन्वर्ट इनटू PbBr2, ठीक है भाई, बेटा ये इस प्रकार से आपके पास बन के आ जाता है, क्या बना, Pb2 प्लस प्लस 2Br- कन्वर्ट इनटू PbBr2, ठीक है भाई, समझ में आ गई बेटा मेरी बात आपको। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या है, एक रिएक्शन बन के आ जाती है भाई आपकी, ठीक है, क्लियर भाई। तो क्या Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br- PbBr2, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पीबी या आपका प्लस Br2 आ जाएगा भाई, इसको चाहे आप PbBr2 लिखो, इसको Pb+Br आप ऐसे भी लिख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या आया, कोई दिक्कत नहीं, वो वही बात रहेगी सेम, क्या भाई Pb+Br2, ठीक है, तो ये क्या लिख दिया जाएगा, इसको Pb Br2 कन्वर्ट इनटू Pb लिक्विड और प्लस Br2 गैस, ये भाई आपका क्या रहता है, लिक्विड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है भाई। तो लेड कैथोड पे, ब्रोमीन एनोड के ऊपर, ठीक है।
ठीक है भाई। बेटा ये इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी मैंने सिर्फ आपको मोल्टन स्टेट का बताया है, बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो इसके अंदर एग्जांपल्स है, आप उनको सोल्व करके लेना।